पानीपत में जैविक खेती को लेकर कई किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। पानीपत के दरियापुर गांव के वीरभान किसान के पास पहुंचे तो लाइव जैविक खेती कैसे करते हैं उन्होंने ये दिखाया और कहा कि मैं गोभी मटर प्याज गेहूँ की जैविक खेती कर रहा हूँ और घर में रसोई का चूल्हा भी गोबर गैस का प्रयोग में ला रहा हूँ। उन्होंने गोबर गैस कैसे बनती है उसका लाइव डेमो दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलंदशहर से 2015 में जैविक खेती के बारे में जानकारी ली थी और तब से वह जैविक खेती कर रहे हैं। फरवरी में होने वाली ट्रेनिंग के बारे में वे बड़े उत्साहित भी हैं। यहां से कई महिलाओं को भी जैविक खेती की ट्रेनिंग के लिए लेकर जाएंगे। कौन सी खेती कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए जी इधर ही खेती कर रहे हैं। खेत में गोभी और भिंडी है, मिर्ची तो अच्छी हो जाती है और लव अभी इसमें हमारे को अजगार मिलता है। कौन सी खेती कर रहे हो आप? ये सब्जी वाली। कौन सी खाद से कर रहे हो? गोबर से। हाँ जी, इससे फायदा क्या होता है? फायदा अच्छी तैयार हो जाती है सब्जियाँ। अच्छा। तो हाँ जी, अभी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं फरवरी में अगले साल से, तो महिलाओं को खास तो देंगे जी, उसमें महिलाओं को कितना लाभ होगा? लाभ होगा, महिलाओं को अच्छा अजगार मिलेगा महिलाओं को, और घर का खर्चा भी चला सकेंगे महिले। आप जाएंगे? जी चले जाएंगे। क्या नाम है? नीलम जी। कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितना लगा? 5 साल हो गए जी हमने जैविक खेती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो जैविक खेती? जैविक खेती अच्छी है ना, इसमें वो देसी उखाड़ पड़ा है गोबर का, गाय का, मोटिन का, सब मिला के। इससे लाभ क्या होता है जी? इससे ना बीमारियाँ घटे हैं, बीमारियाँ कौन होती, जैसे औरतों का पेट में गैस वगैरह सब इन बहुत फायदा हो। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर बॉम्बे से एक ट्रेनर आ रहे हैं जैविक खेती को सिखाने के लिए, खासकर महिलाओं को ज़्यादा सिखाएंगे, उस पर क्या लाभ होगा महिलाओं को? इससे महिलाओं को लाभ है नो है, जितना बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे उतना ही फायदा है इसमें है। खेती जैविक खेती करना सीखेंगे और सारी घर से बाहर निकलेंगे, जितना करेंगे उतना अच्छा है। क्या नाम आपका? सरोज। ठीक है, आप बताओ जी। हाँ जी बताओ जी, क्या करते हैं? मैं जी जैविक खेती करता हूँ, 4 साल से करता हूँ, जिसे हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, और इसके अलावा कुछ किसान नेचुरल तरीके से भी इसे करते हैं। क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं जी फिलहाल टमाटर और ये प्याज लगाया हुआ है। कहाँ कहाँ आप इस टाइम पूरे साल में किन किन फसलों की खेती करते हैं, सब्जी क्या बोते हैं, इस टाइम क्या बोया हुआ है? अभी जी मैंने टमाटर लगाया हुआ है, वो मैं बांस पे लगाता हूँ, उस पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि बांस पे एक तो फसल लंबी चलती है और उसमें जो भी फल उगता है वो सभी अच्छा मिलता है। इस समय 4 एकड़ में क्या बोया हुआ है? 3 एकड़ में तो जी धान है और एक एकड़ में टमाटर है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप, क्यों कर रहे हैं जी? ये प्रेरणा मुझे बुलंदशहर से जो भारत भूषण त्यागी जी है वहीं से मिली, और वहीं से मैंने ट्रेनिंग ली, उसी से मैंने ये सीख कर अपना जैविक खेती शुरुआत की। इससे लाभ क्या हो रहा है? इसे मैंने बहुत लाभ है जी, एक तो जो हम पहले पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जैसे उसमें रासायनिक और कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, एक तो मैंने वो बिल्कुल अपने खेत से बंद किया, और जो हमारा खर्चा था वो धीरे धीरे घटकर अब बिल्कुल नाम मात्र ही रह गया है। आम सब्जी और सब्जी में अंतर क्या है जो बोलते हैं? आम सब्जी में और इस जैविक सब्जी में बहुत अंतर है जी, एक तो इसका खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा मिलता हमें, एक इससे हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी तेज मिलती है, और जैविक खेती करने से एक तो अन्न अच्छा मिलता है हमें और उसकी प्रोडक्शन भी बिल्कुल अच्छी होती है। महाराष्ट्र से सुभाष पालेकर आ रहे हैं जो जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और यहाँ पान हरियाणा में आके ट्रेनिंग देंगे महिलाओं को भी, उस पर क्या हरियाणा में क्या लाभ होने वाला, और आप कितने लोग यहाँ से जाएंगे? मैंने जी अपना एक FPO बनाया हुआ है, और मैं इसमें कोशिश करता हूँ सभी किसानों को वहाँ ले जाने की, और महिलाओं को भी वहाँ ले जाऊँगा इसके साथ साथ, और हमें ये समझना है कि वहाँ से, क्योंकि जो भी हमारी जैविक खेती में कमियाँ हैं वो वहाँ से हम अच्छे तरीके से सीखेंगे और उसको
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।